तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, आमिन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल कर आया है। जी हम तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए जो है आमिन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती जो है सीधी भर्ती निकल कर आया है। तो यदि आप आमिन पटवारी बनना चाहते हैं, काफ़ी समय से जो है जल संसाधन विभाग में आमिन पटवारी का पोस्ट जो है निकल कर नहीं आया, अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फाइनली 288 पदों पर अब पोस्ट जो है निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, तो आप जो है किस तरह से आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी आप जो है कर सकते हैं, किस तरह से आप आमिन पटवारी बन सकते हैं, किस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सकता है, किस तरह से आप आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाओगे, किस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, किस तरह से आप मेहनत कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम्स की स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो बात करें हम शैक्षणिक योग्यता की, तो यदि आप आमिन पटवारी बनना चाहते हैं, आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आमिन पटवारी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं प्लस आमिन पटवारी बनने के लिए आपके पास जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। जी हाँ, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो या फिर आपने DCA किया हो या फिर आपने PGDCA किया हो या आपने जो है कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप आराम से जो है छत्तीसगढ़ में आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कैपेबल हो पाएंगे। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि आमिन पटवारी का जो जॉब है, आमिन पटवारी का जो पोस्ट है, आमिन पटवारी का जो भर्ती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। और आमिन पटवारी में आप सभी को जो सैलरी मिलेगा वो 21,000 रुपये जो है प्रति महीने, 21,000 रुपये आप सभी को हर महीने जो है प्रति महीने सैलरी देखने को मिल पाएगा। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। तो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें, जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 35 वर्ष। कैटेगरी वाइज भी आपको आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में छूट देखने को मिलेगा। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, आप इसमें डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं, डेफिनेटली आप आवेदन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाएंगे। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। अगर एक बार आप आमिन पटवारी बन जाते हैं, एक बार यदि आप आमिन पटवारी बन जाएंगे, तो आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, जितने भी आपके ख्वाब हैं, फिर आप उन सभी सपनों को फिर आप अपने उन सभी ख्वाबों को फिर अपने उन सभी सपनों को फिर पूरा कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है डायरेक्ट भर्ती सीधी भर्ती होता है, मतलब एक ही बार आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। एक बार अगर आपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आप आमिन पटवारी जो है बन पाएंगे। अगर बात करें हम सिलेबस की, तो आमिन पटवारी भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, आमिन पटवारी पोस्ट में 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। इसके अलावा 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। जी हाँ, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है 1/4। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग से, जितना ज़्यादा हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, जितना ज़्यादा माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। बात करें हम अगर सैलरी के, तो जैसे मैंने आपको बताया 21,000 रुपये आप सभी को प्रति महीने, 21,000 रुपये आप सभी को हर महीने जो है सैलरी मिल पाएगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप सभी को देखने को
मिल पाते हैं। बात करें हम कि आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है कब होने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। यदि आप थोड़े से पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए जो वादे किए जाते हैं, डेफिनेटली आप सभी के लिए जो घोषणा पत्र है, डेफिनेटली आप सभी के लिए जो मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को जो है पूरे करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन हर एक वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा सब्र आपको रखना होगा। और पेशेंस जो सब्र का फल जो होता है वो यकीन मानो मीठा होता है। थोड़ा सा टाइम भले लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को, किसी भी वादों को, किसी भी चीज़ों को पूरा करने में समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन वादे कहीं ना कहीं यकीन मानो पूरे जरूर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए आमीन पटवारी के 288 पोस्ट है। निश्चित तौर पर आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए, निश्चित तौर पर आप सभी के हर एक ड्रीम्स को, निश्चित तौर पर आप सभी के सपनों को, आप सभी के हर एक ख्वाबों को पूरा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती आप सभी के लिए आमीन पटवारी के हैं। तो 288 पदों पर आप सभी के लिए आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी पर, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस पर, मेहनत पर ही आपको ध्यान देना है। जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। और एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। तो अपने आप के ऊपर कि आपको जो है भरोसा करना, तो बिलीव इन यूअर सेल्फ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि आपको खुद के ऊपर भरोसा है, यदि अपने आप के ऊपर है, यदि आपको भरोसा है, मतलब हर एक चीज़ें पॉसिबल है, हर एक चीज़ें मुमकिन है, हर एक चीज़ें आसान है, बस मेहनत करना, और कभी भी मेहनत करना, कभी भी कोशिशें करना, कभी भी हार्ड वर्क करना आपको नहीं छोड़ना है। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए आमीन पटवारी के 288 पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती, 288 पदों पर आप सभी के लिए सीधी भर्ती जो है निकल के आ रहे हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी सभी अपडेट अगर आप सभी को अगर पसंद आया हो, वीडियोस अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को आपको शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।